नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। सीएम योगी आदित्यनाथ 16 सितंबर को बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान जिले की जैतपुर और नवाबगंज विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इसी के साथ साथ सीएम योगी करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास कर और लोकार्पण भी करेंगे। तो बता दें, 16 सितंबर को बाराबंकी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ऐसे में कई करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी वो करेंगे। मध्य प्रदेश में सोमवार को शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है, यानी कि आज, और इस बैठक में प्रदेश के चार स्टेट हाईवे पर एक बार फिर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। दरअसल पहले मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंदर आने वाले सागर, दमोह, बिना और खिमलासा, मालथोन, मोहघाटा, बिल्लौर और भिंज, मिहोना, गोपालपुरा हाईवे पर टोल टैक्स लगाया गया था, लेकिन निवेशकर्ताओं ने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद एमपीआरडीसी ने दिसंबर 2020 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से नए सिरे से इन हाईवे पर टोल टैक्स लेने के लिए एजेंसी तय करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे कैबिनेट कि आज बैठक में पेश किया जाएगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रस्ताव को जो है हरी झंडी मिल सकती है। कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी विधानसभा का चुनाव यही नहीं, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी प्रियंका गांधी ही फैसला लेगी। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने यूपी में पार्टी के सीएम चेहरे पर पूछे गए सवाल पर यह बात कही और ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, वो हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही बाद में सीएम के चेहरे की घोषणा भी कर सकती हैं। तो ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। अब कांग्रेस ने स्थिति कहीं ना कहीं साफ कर दी है कि वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही इस विधानसभा चुनाव को लड़ेगी। घोषणा पत्र में जो मुख्य बातें हैं, बहुत सारी बातें आ रही, मुख्य बातें हैं वो किसान की दुर्दशा है और किसान के साथ जो अन्याय है वो एक बड़ी मुख्य बात है। रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा, नौजवानों को नहीं मिल रहा, वो एक बहुत ही बड़ी मुख्य बात है। जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं और कोरोना ने उसको और उजागर किया है, कोरोना पैंडेमिक ने उसको उजागर किया है कि स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएँ जो हैं वो बहुत उनका बड़ा बुरा हाल है। उसके बारे में क्या महिलाओं को सम्मान मिले, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले और हम अपने प्रांत में व्यापक रूप से खुशहाली ला सके, ये हमारी मुख्य बातें होंगी। अगर इस बार 2022 की बात करें तो किस तरीके का आपका मुख्यमंत्री का चेहरा रहने वाला है और किस तरीके से वो मुझे ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला है कि मैं ऐसा कह सकूं, लेकिन हम इस लड़ाई में उतरे हैं और इस चुनाव का सामना कर रहे हैं एक चेहरा लेकर, जो चेहरा माननीय प्रियंका गांधी का है। वो दिन रात काम कर रही हैं कि हम चुनाव में सफल हों और सशक्त रूप से चुनाव लड़ें, वही हमारा चेहरा है। उसके आगे मुख्यमंत्री का चेहरा या किसी और मंत्री का चेहरा, उस पर उचित समय पर वो घोषणा करना चाहेंगी तो वो घोषणा करेंगी। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशु जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद अंशु जी। क्या स्थिति साफ हो चुकी है कि विधानसभा चुनाव जो कांग्रेस लड़ेगी वो प्रियंका गांधी के चेहरे पर ही लड़ेगी? निश्चित तौर से प्रियंका गांधी जी हमारी नेता हैं और उनका जो प्रभावशाली नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व है, सशक्त नेतृत्व है, क्योंकि जब जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आवाज उठाई सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। जब उन्होंने किसी पीड़ित की आवाज उठाई, चाहे वो हाथरस की घटना हो, उब्बा की हो, ताजापुर की हो, भाजपा सरकार जो इतना ज्यादा अहंकार में चूर है, इनको बैकफुट पे आना पड़ा। तो उनका जो मजबूत नेतृत्व है उससे उत्तर प्रदेश के लोग अब प्रभावित हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। और आप देखिए, प्रियंका गांधी जी ने ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग
हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, यदि उन पर अत्याचार होगा तो कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी खड़ी है। लखीमपुर की घटना इसका साक्षात उदाहरण है, प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के साथ वो महिला खड़ी थी, लेकिन जब उस महिला को जरूरत थी तब समाजवादी पार्टी कहीं पर दिखाई नहीं दी, तब अगर कोई साथ खड़ा था तो प्रियंका गांधी खड़ी थी। और आज उसी का परिणाम है कि वो प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। तो उत्तर प्रदेश के सभी लोग प्रियंका गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। हम प्रियंका गांधी जी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल अंशु जी, और कहीं ना कहीं देखिए ये भी कहा जा रहा है कि फैसला प्रियंका गांधी ही लेंगी कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, यानी कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दे दी गई है। देखिए अब से पहले की बात की जाए तो राहुल गांधी अब तक कमान कहीं ना कहीं संभालते आ रहे थे, लेकिन अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के ऊपर दे दी है और अब वही मुख्यमंत्री पद के चेहरे का भी फैसला जो है वही करेंगी। बिल्कुल, देखिए एक तरफ प्रियंका गांधी जी है जो उत्तर प्रदेश के गरीब की, उत्तर प्रदेश के पीड़ित की, प्रदेश के नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की आवाज उठा रही, और दूसरी तरफ वो अहंकारी मुख्यमंत्री जो नौजवानों को रोजगार मांगने पर लाठियों से पिटवाते हैं, महिलाओं को पीड़ितों के साथ ना खड़े होकर वो बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है सरकार, और उस महिला को 2:30 बजे रात को डीजल और पेट्रोल डालकर जलवा दिया जाता है जी। दूसरी तरफ किसान को लगातार प्रताड़ित कर दिया किया जा रहा। तो हमारी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लूटा है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को प्रदेश के लोग भूले नहीं। आप याद करिए 2012 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसी बात समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया था जी, क्योंकि आज भी उनके कैबिनेट मंत्री जेल में है, वो बाहर नहीं आ पाए भ्रष्टाचार में जी। चलिए अंशु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में अब सीएम के चेहरे का फैसला भी प्रियंका गांधी करेंगी, यानी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को कांग्रेस की तरफ से दे दी गई है और पूरी तरह से कह दिया गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में ही कांग्रेस जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां लखीमपुर खीरी की समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने वाली ऋतु सिंह ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं पसगवा कान में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान बदसलूकी का शिकार हुई सपा नेत्री ऋतु सिंह शनिवार को लखनऊ में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गई और इस मामले पर जमकर राजनीति भी हुई थी और घटना के बाद ऋतु सिंह से मिलने प्रियंका गांधी उनके घर पर ही गई थी। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव के दौरान लखीमपुर खीरी के पंसगवा ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऋतु सिंह के नामांकन के दौरान पर्चा छीनने का प्रयास किया गया था, साथ ही ऋतु सिंह की साड़ी खींचने और अभद्रता का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ा था और इस कांड से जुड़े कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी भी की गई थी। इस घटना के बाद इस पर काफी राजनीति भी गर्म हुई थी। केरल में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों से कमी देखी जा रही है, जिसके बाद राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू और रविवार का लॉकडाउन हटा दिया है। दरअसल भारत में पिछले हफ्ते कोविड मामलों में 13% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि केरल में संक्रमण के मामलों में 17% की गिरावट देखी गई है और ऐसे में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या भी गिरकर 24 हफ्ते से निचले स्तर पर आ गई है। पिछले हफ्ते देश में कोविड से 104 लोगों की मौत हुई थी,
जो कि 22 से 28 मार्च के हफ्ते में के बाद सबसे कम है। ऐसे में 6 से 12 सितंबर के दौरान केरल में नए मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई और इस अवधि के दौरान भारत में 2.5 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जो पिछले सप्ताह यानी कि 31 अगस्त से 5 सितंबर की तुलना में 2.8 लाख से कम है और पिछले 3 हफ्तों में सबसे कम है। ऐसे में देश भर से रोजाना सामने आने वाले नए कोविड के मामलों में केरल का हिस्सा लगभग 2/3 है। ऐसे में राज्य के 7 दिनों की अवधि के दौरान 1.6 लाख से ज्यादा नए मामलों की सूचना दी गई है, यानी कि केरल में जहां पर पिछले काफी समय से मामले बढ़ रहे थे वहां पर अब मामलों में गिरावट देखी जा सकती है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक राजकुमार ने देश में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। कांग्रेस के टिकट पर पुरोला निर्वाचन क्षेत्र से 2017 का विधानसभा चुनाव जीतने वाले राजकुमार ने कहा कि कांग्रेस जमीनी हकीकत से अनजान है और उसने SC के लिए अपने काम को दिखावा कहकर खारिज कर दिया है। वही विधायक राजकुमार ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जातियों के लिए जो कुछ भी किया है वो केवल दिखावा है। कांग्रेस को जमीनी हकीकत से बिल्कुल भी अवगत नहीं है और ऐसे में ना तो उसके पास उचित संगठनात्मक ढांचा है और ना ही पार्टी के भीतर समन्वय है। बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस उत्तराखंड अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पार्टी छोड़ रहा है। गौदियाल ने कि माने तो बीजेपी के कई लोग उनके संपर्क में अभी भी हैं। बाराबंकी और आगरा में मिलावटी जहरीली शराब से दर्जनों मौतों के बाद भी जहरीली शराब बनाने वालों के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। बहराइच जिले की आबकारी टीम ने पुलिस की संयुक्त टीम के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी जहरीली शराब बनाने वाले शराब माफियाओं के अड्डे पर छापेमारी की। इस दौरान भाग रहे माफियाओं को पकड़ने के लिए आबकारी टीम ने कई राउंड हवाई फायरिंग की और ऐसे में टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सरगना समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मौके से जहरीली शराब बनाने के लिए छिपा कर रखी गई सैकड़ों खाली शीशी समेत 35 लीटर मिलावटी शराब को बरामद किया है। वहीं पकड़े गए लोग सरकारी दुकानों पर बिकने वाली पंटी, बबली और झूम ब्रांड की मिलावटी शराब को तैयार कर बेचने का काम करते थे। ऐसे में देहात कोतवाली इलाके के हुसैनपुर में मिलावटी शराब बनाने का काम किया जा रहा था। सूचना पर जिला आबकारी अधिकारी ने भेष बदल कर शराब माफियाओं घर की रेकी की और देर रात SP से पुलिस बल का सहयोग मांग कर टीम गठित कर गांव निवासी श्री चंद्र के आवास की घेराबंदी की गई और कड़ी मशक्कत के बाद टीम के सदस्यों ने दरवाजा खुलवाकर जब घर की तलाशी ली तो भारी मात्रा में मिलावटी शराब बनाने का सामान बरामद किया गया और इस दौरान सरगना श्री चंद्र और उसके साथी दीवार फांद कर भागने लगे, जिस पर आबकारी अधिकारी कई राउंड हवाई फायरिंग कर एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई के बाद जहरीली शराब बनाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। तो बता दें बहराइच में ये शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नकली शराब बनाने के मामले सामने आ रहे हैं और उससे पीकर मौतों का आंकड़ा जो सामने आया उसको लेकर अब आबकारी विभाग जो है लगातार एक्टिव हो गया है और शराब माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में बहराइच में भी शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है और बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब माफियाओं पर ये कार्रवाई की गई है। कई लीटर शराब बरामद की, साथ ही नकली शराब बनाने की शीशियां और अन्य सामान भी बरामद किया गया है, जबकि एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
आगरा की महिला सिपाही प्रियंका मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। दरअसल प्रियंका ने वर्दी में रिवॉल्वर लहराते हुए इंस्टाग्राम पर रील बनाई थी, जिसके बाद उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया था। वहीं बता दें, इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रियंका को ट्रोल किया जाने लगा था, जिससे परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। बता दें, प्रियंका का वर्दी पहने और हाथ में रिवॉल्वर लिए वीडियो तेजी से वायरल हुआ था और इस वीडियो में उनका अंदाज किसी गैंगस्टर जैसा नजर आ रहा था। जिस ऑडियो पर उन्होंने रील बनाई थी, उसमें कहा जा रहा था, ना गुंडाई पर गाना बनाते हैं, ना गाड़ी पर जाट गुज्जर लिखते हैं, हमारे यहाँ 5-5 साल के लड़के कट्टा चलाते हैं। इस वीडियो की जानकारी 24 अगस्त को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा तक पहुंची थी और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रियंका मिश्रा को लाइन हाजिर कर दिया था। प्रियंका मदन मोहन गेट थाने में तैनात थी, उनके खिलाफ जांच भी भेटा दी गई थी और इस कार्रवाई के बाद प्रियंका को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा था। लोग उन्हें पुलिस की नौकरी से हटाने की बात कहने लगे थे, जिसके बाद परेशान होकर प्रियंका ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें उन्हें आगरा SSP को अपना इस्तीफा देने की बात कही गई। साथ ही ट्रोलर्स से गुहार लगाई गई कि वो इस तरह की बातें ना करें। खबर आगरा से है, जहां पर मास्क ने तीमारदार और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया, साथ ही मास्क को लेकर तीमारदार और स्टाफ में मारपीट भी हुई। बता दें कि बगैर मास्क के प्रवेश को लेकर निजी हॉस्पिटल स्टाफ और तीमारदारों में विवाद हो गया था। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, तो पता चला कि तीमारदारों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर महिलाओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। हालांकि ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, इसका पूरा वीडियो, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला प्रताप नगर के नगर पंचायत लम गांव के ठीक नीचे 8.25 करोड़ से निर्मित जलकुंदन नदी पर ग्राम पंचायत पिपलोगी के को जोड़ने वाले झूला पुल का है, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पुल पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है और ऐसे में पुल से लगभग सारी मशीनरी और लेबर सबको हटा दिया गया है। कुछ एक लेबर पुल के कार्य में अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, लेकिन पुल का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही पुल पर सुरक्षा के लिए लगी रेलिंग और जाली बनने से पहले ही उखड़नी शुरू हो गई है, जो कार्यदारी संस्था और पुल निर्माण करने वाली कंपनी पर सवाल खड़ा करती है और ये दर्शाती है कि पुल पर मानकों के हिसाब से काम नहीं किया गया, जिस वजह से पुल की रेलिंग बनने से पहले ही उखड़नी शुरू हो गई, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने पुल की गुणवत्ता को परखने के लिए पुल के कार्यों की मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक रूट में शामिल कालीदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक पर इस सीजन के पहले दल ने कालीदी खाल पास को पार कर लिया है। जी हां, ट्रैकिंग दल में कोलकाता की एक महिला सहित 10 सदस्य शामिल हैं। दल ने 10 दिनों के अंतराल में ये ट्रैक पार किया। गंगोत्री धाम से बद्रीनाथ को जोड़ने वाला कालीदी खाल ट्रैक दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैकों में शुमार है। हिमालय की कंदराव और ग्लेशियर के ऊपर से गुजरने वाले 109 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर बर्फ से ढकी भारत की एक दर्जन नामचीन चोटियों के दीदार होते हैं और 80% बर्फ से ढके इस ट्रैक को पूरा करने में 10 से 12 दिन लगते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का असर भी इस ट्रैक पर पड़ा था। 2020 में इस ट्रैक पर एक भी दल ने ट्रैकिंग नहीं की, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कम होने से अब पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। दल के गाइड के रूप में कपिल पवार और विपिन पवार ने टीम का मनोबल बढ़ाया और 10 दिन के अंतराल में ये ट्रैक पार उन्हें करा दिया। बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकान मालिक के साथ जमकर मारपीट की और उसका लाइसेंस रिवॉल्वर छीन लिया, जिसके बाद दबंग मौके से फरार हो गए, जहां आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घायलों को इलाज के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया। बता दें, मारपीट और लूट की घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और 6 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसे में CO वंदना शर्मा
ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है और साथ ही जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें वादी के द्वारा बताया गया है कि उसके भाई की दुकान में घुसकर 6 व्यक्तियों ने उसके भाई के साथ मारपीट करी है और साथ दुकान में तोड़फोड़ की है और साथ ही साथ उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी छीन के लेकर गए हैं। मामले में हमने तहरीर प्राप्त कर ली है, CCTV फुटेज को कब्जे में ले लिया है, हमारी टीमें निकली हैं और जल्द ही इस मामले में हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम को लेकर उत्तरकाशी के विकास खंड डूंडा में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में स्वरोजगार शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों की कड़ी में शिविर में संयुक्त रूप से स्वरोजगार से जुड़े विभागों और बैंकर्स के अधिकारी उपस्थित रहे और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की कई योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। सरकार के द्वारा जो यहाँ जन कल्याणकारी शिविर जो ब्लॉक में लगाया गया है वो बहुत ही अच्छा जनता के लिए शिविर है, जिससे कि पूरी जनता को लाभ मिल रहा है और ये कार्य एक ही छत के नीचे हो रहा है। ऐसे शिविर विभागीय सिर्फ समय समय पर लगने चाहिए ताकि जनता को इधर उधर जाने में परेशानी ना हो और जनता इसका लाभ यहाँ पर ब्लॉक पर ही ले सके। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि आम जनमानस को हम किस प्रकार से उसका लाभ मिल सके, इसके लिए हमारे सरकार ने और हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय और हमारे जनपद के मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी आज इस शिविर में उपस्थित हैं और आपके द्वारा एक एक स्टॉल का निरीक्षण किया गया है और जिसमें काफ़ी हद तक जो है लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और अनेक डिपार्टमेंट यहाँ पे है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, समाज कल्याण हो, राजस्व विभाग हो, हमारा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हो और सभी के लोगों को जो है प्रमाण पत्र जारी करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।